नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के तहत जेवर के बंकापुर गांव में एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। यह मेला दो दिन तक चला, जिसमें गांव बंकापुर समेत अनेक गांव के लोगों ने अपना चेकअप कराया तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। दोस्तों, इस वक्त मैं गांव बंकापुर में हूं, जहां पर सीएससी यानी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से एक कैंप, चिकित्सा कैंप लगाया गया है। चिकित्सा मेले में आए हुए कुछ लोगों ने, जिन्होंने इस मेले का लाभ उठाया है, उसके अंतर्गत कुछ लोग मेरे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूँ जी, किस टाइप का मेला था ये, क्या फ़ायदे हुए, जरा बताएं। मेला बहुत बढ़िया टाइप का रहा जी, सब तरह की दवा मिली है, चेकअप हुए और बढ़िया चश्मा भी बटे, सब डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया सहयोग रहा, बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया कैंप हमारे यहाँ रहा है गांव में, मैं पूर्व प्रधान हूँ बंकापुर का, और इतना बड़ा सहयोग मिला है गांव को, और कहा बाहर गांव के भी लोग आए हैं, करीब 900 के करीब लोग आए हुए हैं आज, और सबको दवा और ट्रीटमेंट बढ़िया, आँखों वालों को चश्मा मिला है टेस्ट होकर, और जो मरीज जैसा था उसके लिए इलाज हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर कुशवाहा हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कार्यक्रम है यहाँ पे, क्या कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। जी डॉक्टर साहब बताएं। नमस्कार, ये एक स्वास्थ्य कैंप, स्वास्थ्य मेला के संबंध में जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय CMO साहब के द्वारा जो है एक स्वास्थ्य मेला लगवाया गया है। ये स्वास्थ्य मेले का मुख्य उद्देश्य है कि गांव-गांव के जन जन मानस को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रत्येक रविवार को ऐसा स्वास्थ्य मेला पूरे जनपद में कहीं ना कहीं लगना चाहिए, इस उपलक्ष्य में ये स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। इसमें गांव के लोगों को समस्त प्रकार की बीमारियों का, जो कि अपने स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन तक समस्त दवाइयाँ पहुँचाने के ये एक उद्देश्य है हमारा। तो ये थे डॉक्टर कुशवाहा, इनके अलावा मेरे साथ डॉक्टर पवन हैं, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, जब से यहाँ मेला लगा है, आज कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है, लोग कितने लोग यहाँ पर आए, जरा उसके बारे में। पहले तो मैं मेले के बारे में बता दूँ कि ये CMO साहब, आदरणीय CMO साहब और आदरणीय DM साहब के अनुसार यहाँ पे मेला लगाया गया है जी। और मेले का उद्देश्य रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अप्रोच करना जी, और इसमें आज लोग लगभग 1000 लोग ने दिखाया, मरीजों को दिखाया यहाँ पे, हमारे जो चिकित्सक थे उन्होंने दिखाया, हमारे फार्मासिस्ट थे उन्होंने दवाइयाँ अच्छे से बांटा उनको, टीकाकरण भी हुआ है जी। और साथ में और भी जानकारी, जैसे मेमोग्राफी भी हुई है हमारे यहाँ, मेमोग्राफी के अलावा और जो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी दिखाया गया है, और सरकार के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम हैं जो चलाए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी दी गई जी। और बताया भी गया, उसका भी लाभ हुआ। अभी ये कल भी चलेगा और कल भी भव्य इसका समारोह होगा। आंखें चेक करी गई और लोगों को अवेयर करा विजन के बारे में, जो कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है हर कैंप के लिए, क्योंकि लोगों को अभी पता ही नहीं है कि क्या दिक्कत है उन्हें और कैसे वो ट्रीट हो सकती है। बहुत सारी डेथ और ऐसे ही हो जाती है क्योंकि वो अवेयरनेस ही नहीं है अनट्रीटेबल कंडीशन की वजह से। इसी मेले में आंखों की चिकित्सा जो गाइडेंस कर रहे हैं लोगों को, जो आंखों के बारे में बता रहे हैं, वो डॉक्टर भारद्वाज हैं, जिन्हें पूरा क्षेत्र जानता है और काफ़ी समय से वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस टाइप का ये मेला था और क्या कुछ यहाँ पे हुआ। जी डॉक्टर, मेला का तो ये है, मतलब सभी बीमारियों के बारे में सब लोगों को जागरूक करना है, है ना। और उसके बाद में आई के मैंने पेशेंट 191 मैंने पेशेंट देखे आज, और उनमें से मैंने वितरण कितने किए हैं, स्पेक्स मैंने 78 किए हैं, और कैटरेक्ट वाले पेशेंट भी छांटे हैं जिनके लिए ऑपरेट के लिए आगे भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब, जेवर की जनता आपसे बेहद प्यार करती है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस अवसर पर? अरे वो तो उनका प्यार है, उसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। बस यही है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए और चिकित्सा के उद्देश्य से लोगों को परफेक्ट चिकित्सा देने और जागरूक करने के उद्देश्य से ये मेला लगाया जा रहा है। नितेश छोंकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।